अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मोहम्मद अरशद गुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कमिश्नर आईपी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर साहिबा आयशा इमरान भट्ट साहिबा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया और इस दौरान उन्हें किन मुश्किल का सामना करना पड़ा और उन्होंने ये जो CSS किया कब किया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, सबसे पहले बताएँ कि आपका तल्लुक कहाँ से और आप ये CSS की तरफ कैसे आना हो। मैं जी लाहौर से ही मेरा तल्लुक है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो जर्मनी में हुई थी। वी यूज़ टू बी इन जर्मनी, मेरे फादर बैंकर थे वहाँ पे। बाद में हम पाकिस्तान मूव हो गए तो तब से लाहौर में ही हम जो है हमारी रिहाइश है। और CSS की तरफ कैसे आप? CSS बस मेरे फादर की शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है वो इंग्लिश में मास्टर्स करेगी और उसके बाद CSS करेगी। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स किया और साथ ही एग्ज़ाम दे दिए CSS के। और कौन से कॉमन से आपने किया? मैंने 26 कॉमन से। 26 कॉमन से। और ये आप इनकम टैक्स में आई हैं, इससे पहले आपने किसी और सर्विस? जी, मैं इनकम टैक्स में आई, फिर दोबारा भी बाद में एक बार दिया मैंने 27th के साथ, उसमें मेरा फॉरेन सर्विस आया था। तो आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, वो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, वो मेरे फादर ने ही कहा था कि आप जो है वो, क्योंकि आई वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम, उनका कि आप फिर मुश्किल हो जाएगा रिश्ता ढूंढना। अच्छा, ये हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट की जो लाइफ होती है लोग बहुत आइडलाइज करते हैं। आप भी यही हैं इसमें और माशाल्लाह आप कमिश्नर हैं इस वक्त। तो एज खातून आप कैसा समझती हैं कि सिविल सर्विस खवातीन के लिए कैसा प्रोफेशन है? सिविल सर्विस खवातीन के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़ी नूसेंस वैल्यू भी है और माशरे में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो आपका ये जो आपने कहा कि मैं पहले मैंने मास्टर्स किया जी, आप कोई लेक्चरर वगैरह की तरफ नहीं गई या कोई टीचिंग? नहीं नहीं, ना मैंने कोई इस तरफ गई, ना मैंने PCS का एग्ज़ाम दिया, बस CSS का ही दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही अटेम्प्ट में हो भी गया वो। तो आप ये बताएं कि ये जो आपकी पोस्ट है जी, जी हमें इसके बारे में बताएं कि एक्चुअली आपकी यहाँ ड्यूटीज़ क्या हैं? कमिश्नर की ड्यूटीज़ काफ़ी टफ़ होती हैं। मैं ओवरऑल IRS के कमिश्नर की बात कर रही हूँ। पूरे जोन को देखना होता है, हमारे अंडर जो यूनिट आता है इसको जोन कहते हैं और एक रीजन में कम से कम 8-10 जोन्स होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं और उसके हिसाब से हमने अपने टारगेट्स करने होते हैं, बजट करना होता है और ऑफिसर्स को ओवरलुक करना होता है कि वो अपने बजटरी टारगेट्स मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये भी आप बता सकती हैं कि ये लाहौर का जो सेटअप है इस पर टैक्स कलेक्शन किस तरह है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका टारगेट क्या है और आप किस हद तक उसको अचीव कर चुके हैं? देखें, हम लोगों का रीजनल टारगेट्स होते हैं। हमारे लाहौर में 3 रीजन्स हैं। एक LTU है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं जैसे पेप्सी कोला है या पार्को है या इस तरह की कंपनीज जो बहुत बड़ी होती हैं, ह्यूज, होंडा है, तो वो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में होती हैं। उसके बाद हमारा एक कॉर्पोरेट RTO है, CRTO जिसको कहते हैं, वहाँ पे सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो बाकी की रह जाती हैं LTU से। और उसके बाद RTO 2 है जिसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। हमारे पास पूरे लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, इन सब एरियाज़ के टेरिटोरियल बेसिस के ऊपर हमारे यूनिट्स बने हुए हैं। तो उसके ऊपर जो है वो हम जो जितने भी नॉन कोऑपरेट केसेस हैं उनको हम असेस करते हैं। तो अभी ये जब से, आप क्या बताना पसंद करेंगे कि आपके ये जो रेशो है टैक्स कलेक्शन की, इसमें कोई इंक्रीजमेंट हुई है? जी माशाल्लाह, हम लोग पिछले अगर आप 5 से 10 साल उठा लें तो हम लोगों के बहुत कहाँ से कहाँ कलेक्शन पहुँच गई है। फिगर में कोई याद हो आपको? हाँ जी, अभी हमारा इस वक्त टारगेट ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन है पूरे पाकिस्तान का। तो अभी कुछ मेरे ख्याल है 5-6 साल पहले शायद 1 ट्रिलियन तक था। तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हो रहा है साथ साथ। मैडम, क्या वजह लोग जो है वो यूजुअली टैक्स के बारे में काफ़ी यानी छुपाते हैं चीज़ें, क्या कोई कानून की वजह से लोग डरते हैं या लोग टैक्स देना नहीं चाहते? नहीं, ये तो सारी दुनिया में ऐसे ही है, कोई भी टैक्स शौक से नहीं देता। ख़ासतौर पर जो इनकम टैक्स होता है वो आपकी इनकम के ऊपर कटना होता है और पूरी दुनिया में हर बिजनेसमैन की ये कोशिश होती है कि वो टैक्स छुपा ले किसी तरह से, अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा ले या अपनी सेल्स कम दिखाए या परचेजेस जो है वो ज़्यादा दिखा दे। तो उनकी कोशिश होती है कि टैक्स बचाएँ। हम जो सैलरीड लोग हैं या जो दूसरे विदहोल्डिंग टैक्सेस जितने भी हैं वो तो, या कस्टम वगैरह जो भी, वो तो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। तो अच्छा, जो है वो हर एक प्रोफेशन के लोगों को कुछ और प्रोफेशन भी होता है,
तो आप सिविल सर्विस में आई और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक इसका एक स्कोप है और लोग इसको एडमायर भी करते हैं. जी जी. तो आपका है कि कभी कोई जेन में नहीं यार मैं किसी और प्रोफेशन में जाती तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, या मुझे इशू से ये कि यानी आप मुतमिन अपने कैरियर से कोई और प्रोफेशन जो आप अगर आप इनकम टैक्स कमिश्नर ना होती तो आपको ये होना चाहिए था. मेरा दरमियान में थोड़ा बैंकिंग की तरफ रुझान हुआ था और देयर वाज अ टाइम जब मुझे एक बार 2006 की बात है मुझे 5 साल का स्कॉलरशिप मिला था PhD करने का, तो वो मैं मेरा बैंकिंग में था बेसिकली जो रिसर्च पेपर था. और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके मास्टर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी किया मगर PhD नहीं कर सकी. मेरा एम ये था कि मैं कोई गवर्नर स्टेट बैंक या इस टाइप या एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ जाऊँ या इस तरह की कोई था, बट वो फिर दरमियान में हमारी जॉब इतनी हैक्टिक है कि वो ख्वाब ख्वाब ही रह गया. नहीं लेकिन आपको उससे अच्छा ख्वाब पूरा हो गया. अच्छा ये बताएं कि जैसे मैंने अक्सर ब्यूरोक्रेट से जी जी है तो वो कोई शायरी करते हैं कुछ पेंटर हैं, तो आप इसके अलावा किसी एक्टिविटी में जो आप इस वक्त कर रही हों शौकिया भी नहीं? मेरा एक्चुअली मास्टर्स में मैं इंग्लिश में पोइट्री करती थी तो अभी तो काफ़ी सालों से नहीं की है. ट्रेनिंग मेरी दरमियान में एक हुई थी उसमें मैंने एक आधी पोइम लिखी थी, अदरवाइज तो इंग्लिश में ही लिखी थी. जी इंग्लिश में ही. अच्छा तो आप यानी एक जो आपकी जो लाइफ है ये इसके बारे में बताएं कि आपको कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता होगा बीइंग ए कमिश्नर, लाइफ काफ़ी टफ होती है, प्रेशर भी होता है. जी तो आप कैसे आप देखती हैं कि जब लड़की के लिए जो बच्चियां CSS कर रही हैं आना चाहती हैं आप उसको कैसे देखती हैं कि आपकी जो लाइफ है बहुत हैडिक वाली है, तो एक्सप्लेन करें कि आपको कैसे इसमें हैंडल करती हैं? जी हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है स्पेशली अगर आपकी फैमिली हो बच्चे हों, तो बच्चों को और जॉब को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ से आप इतने थक जाते हैं जब घर जाते हैं तो बच्चों को टाइम देना उनके मसाइल हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये डेलिकेट बैलेंस है, हम लोगों में से सभी अपने अपने एक महाज पे जंग लड़ रहे हैं. तो अभी जो है वो आपके यानी आप कहती हैं कि काफ़ी टफ है जॉब. जी जी. तो आप ये बताएं हमें कि ये जो एक माहौल है पाकिस्तान में इस वक्त जो है खवातीन जो हैं वो ऑफिसेज में काम करती हैं और उनके साथ जो है वो कानूनी तौर पे उनको शेल्टर नहीं होता, तो आप उन खवातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि सिविल सर्विस में अगर वो आएँ तो उनको कानूनी क्या प्रोटेक्शन हासिल हैं? हमारा एक एक्ट तो आ गया हुआ है हरासमेंट फॉर वुमेन एक्ट, हमारे डिपार्टमेंट में पहले से भी आया हुआ था और अब तो हर गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गया हुआ है. मगर ये है कि सिविल सर्विस में तो ऐसा कोई मसला ख्वातीन को मैंने तो नहीं दिखा के हुआ हो, तो बल्कि एक दफ़ा एक खातून ने उल्टा कह दिया था कि उसको कोई एक्सप्लेनेशन किसी ने कॉल की तो उसने कहा कि मैं आपके ख़िलाफ़ इतना सा एक्शन ले लूँगी, मतलब उल्टा ब्लैकमेल कर लिया था एक लड़की ने. बट ये है कि ऐसा कोई मसाइल का सामना मैंने तो नहीं देखा किसी खातून को करना पड़ा हो, क्योंकि एक एक्सेप्टेड चीज़ है कि देयर आर वुमेन इन सिविल सर्विस और शुरू से ही हैं और अब तो इतनी ज़्यादा तादाद हो गई है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में बहुत ज़्यादा ही फीमेल ऑफिसर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, कस्टम में अकाउंट्स में जो फील्ड जो यहाँ के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, तो इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ इस हकीकत को, कोई ऐसी ये नई चीज़ नहीं है कि लोग ज़रा इससे हों. अच्छा आखिर में आप जो बच्चे CSS कर रहे हैं बिलखसूस जो खवातीन हैं उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो सिविल सर्विस में आए और उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल आना चाहिए और मेरे ख्याल से खवातीन के आने से सिविल सर्विसेज का माहौल अच्छा होता है क्योंकि वो ज़्यादा सिंपैथेटिकली लोगों के मसले हल करती हैं. मैडम बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का, आपका टाइम बहुत कीमती था. जी नाज़रीन आप सुन रहे थे आयशा इमरान भट्ट साहिबा को, उनका ये कहना था कि सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा जो है वो एक प्रोफेशन है, खवातीन को आना चाहिए, उन्होंने अपने महकमे के बारे में भी हमें बताया. नाज़रीन प्रोग्राम मेरा शहर से मोहम्मद अरशद गुल को कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.